अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? बीप राग के आंखें भरिया के बंदा क्या गा रही है। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपने TMKOC क्यों छोड़ा? प्लीज अब लैपटॉप का टिक 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 बंद कीजिए। कोई तो ताली बजाओ। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आ गया हूं मैं वापस से आपके सवालों का जवाब देने के लिए, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे थे। आई नो, कर रहे थे, जस्ट जोकिंग। एंड इस बार मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आए हैं, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने और मेरी टीम ने बैठ के डिसाइड किए हैं। मेरी टीम यानी कि मेरा दिल, मेरा मन, और बस वही क्यों हुआ वैसे तो, मेरा दिमाग, मेरा दिल और मैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम sid.pandit0304, व्हिच एक्टर वुड यू लाइक टू वर्क विद? सो एज एन एक्टर ना, आप ये कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि आपको किन किन एक्टर्स के साथ काम करना है। एज एन एक्टर यू फील लाइक आपको हर एक्टर, हर डायरेक्टर के साथ काम करना है। एंड जो भी मेरे लिस्ट में थे ऑलरेडी एक्टर्स, उनके साथ मैंने ऑलरेडी काम कर लिया है, लाइक सलमान खान, रणवीर सिंह, ही इज माई फेवरेट एक्टर। एंड उनके साथ तो मैंने दो बार काम किया है। एक बार जब वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आए थे न्यू ईयर के टाइम पे, तब मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे मेरे बालों को लेकर कॉम्प्लीमेंट भी किया था। एंड सेकेंड मैंने उनके साथ मानियावर की एड जब की थी, तब मैं उनसे मिला था, उनके साथ काम किया है। तैयार होकर आइए। शाहरुख खान, एवरीवन्स फेवरेट, यू नो। देन श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, देन मिस्टर अमिताभ बच्चन। यस, मुझे उनके साथ काम करने की बहुत दिल से तमन्ना थी, और जब हम लोग KBC गए थे तब मैं उनसे मिला था, मैंने उनके ब्लेसिंग्स भी लिए थे। एंड मैं आपके साथ यहाँ पे छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मुझे मौका मिला था उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने का, मतलब वो मेरे यहाँ पे बाजू में बैठे हुए थे, मैं उनके पास में खड़ा हुआ था। एंड आई वॉज सो नर्वस, मैं ना पैर मेरे ऐसे ऐसे कांप रहे थे नीचे से। एंड मुझे लगा कि यार अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे मतलब सर के साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो चंक था जो क्वेश्चन आंसर्स का, वो टेलीकास्ट हुआ ही नहीं। एंड आई ट्राइड कि काश मुझे वो फ्रेम, वो फोटो मिल जाती उनके साथ, तो मेरी लाइफ बन जाती। बट कोई नहीं, आई एम जस्ट होपिंग एंड आई एम विशिंग दैट मुझे उनके साथ आगे फ्यूचर में काम करने का मौका मिले। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम my3_3l, व्हिच सॉन्ग इज रिंगिंग इन योर हेड एट द मोमेंट? दिमाग में मेरे गाना तो चल रहा है, बट लिरिक्स में थोड़ा गड़बड़ा जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिरिक्स पढ़ के आपको बताता हूँ कि कौन सा गाना मेरे दिमाग में फिट हुआ पड़ा है अभी। एक मिनट, हाँ। ए नखरे वाली कुठे निकाली, गालून साड़ी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनी शिचाल, गुलाबी साड़ी आनी लाली लाल लाल, दिसते मी बारी राजा मोच फोटो मजा काड। लिरिक्स में मैं थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई लव दिस सॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम it's.somya356, आप बिग बॉस में जाना चाहते हैं? मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ। मैं आ जाऊँ क्या? मैं जाना भी चाहता था। एंड यू नो, मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस का मैं बहुत ही डाई हार्ट फैन हूँ, था। एंड सीजन 1 से मैं नो रिलीजियसली फॉलो कर रहा था बिग बॉस, एंड मोस्टली मैंने सारे सीजन्स देखे। बीच के कुछ एक दो सीजन जो है मैंने प्रॉपर फॉलो नहीं किए होंगे, बट आई लव बिग बॉस, आई लव द फॉर्मेट, आई लव द गेम। एंड मैं आपको एक बात बताना भी चाहूँगा कि लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे दो बार बिग बॉस जो है ऑफर हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजंस थिंग्स डिडंट वर्क आउट। बट अगर हो जाती तो आप मुझे शायद बिग बॉस में देख पाते हैं, बट लेट्स सी इन फ्यूचर इफ पॉसिबल, देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम zannat_ul851, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा? अगर मुझे अपना एक्सपीरियंस वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आई वुड से वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। इस शो में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हंसा है, रोया है, मस्ती की है। मैंने इस शो से अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी की थी, जब हम सिंगापुर गए थे शूट के लिए। बहुत कुछ कमाया है इस शो से। सो यस, इट वॉज वंडरफुल। सो sparkling_earth_ ने मुझे पूछा है, इफ आई एवर सी यू एनीवेयर, विल इट बी ओके टू कम टू यू फॉर अ सेल्फी और अ चैट? ऑफ कोर्स यार, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने फैंस, अपने वेल विशर्स से मिलूँ, उनके साथ बात करूँ। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वेन एवर आई एम विथ माई फैमिली, प्लीज़ गिव मी दैट पर्सनल टाइम, बिकॉज कई बार लोग समझते नहीं है पर्सनल एक स्पेस देने के लिए लोगों को, थोड़ा तब डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक मुझे नहीं, किसी को भी, इफ़ यू वॉन्ट टू अप्रोच समवन, जस्ट आस्क देम पोलाइटली
एंड मैं कभी मना नहीं करता हूँ यार किसी को भी पिक्चर्स या किसी भी चीज़ के लिए. मैं एक बार रेस्टोरेंट में गया था अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए एंड मेरा ऑलमोस्ट खाना हो गया था, लास्ट की एक दो बाइट्स में खा रहा था एंड समवन जस्ट केम एंड आस्क्ड मी फॉर अ पिक्चर. तो मैंने बोला अब बस 5 मिनट मैक्स टू मैक्स रुक जाएगी, मैं फिनिश करके आता हूँ पिक्चर के लिए. एंड देयर लाइक नहीं नहीं आप अभी फोटो ले लो ना हमसे, हमको निकलना है, वी आर गेटिंग लेट. क्या बात कर रहे हैं? यश अंडरस्कोर अंडरस्कोर अग्रवाल ने मुझसे पूछा है कि सर आपने टीएमकेओसी क्यों छोड़ा. ओके मैं जहां पे भी जाता हूं लोग बस मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि सर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय आंसर बट यू नो इस क्यू एन ए के दौरान मुझे बहुत लोगों ने सवाल पूछा है सो मैंने सोचा आपको वापस से मैं आंसर कर देता हूं. सो आई डिड दिस शो फॉर 5 years एंड इस शो में मैंने ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स किए हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही मेरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में. बट एज एन एक्टर आई वॉन्टेड टू ग्रो मोर इन दिस फील्ड, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड यू नो थिंग्स इन लाइफ. सो आई टुक दिस डिसीजन एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर एक्सेप्टिंग मी एज टप्पू. और बस तो थोड़ा यू नो एक डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. या एंड थैंक यू सो मच, मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है. बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा. और इसी के साथ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे फैन ने यहाँ पे रविदर अंडरस्कोर राइडर अंडरस्कोर. जिम में जाते हो क्या करते हो जो अभी तक बॉडी नहीं बनी? आपको पता है मैं जिम में क्या करता हूँ? ऑफ कोर्स यार मैं जिम में जाके वर्कआउट करता हूँ नॉर्मल इंसान की तरह. चेस्ट करता हूँ, बैक करता हूँ, बाइसेप ट्राइसेप्स करता हूँ, लेग्स वर्कआउट करता हूँ, फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूँ मैं, क्या कुछ नहीं करता. इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग यार कि आज वर्कआउट किया कल ऐसा ऋतिक रोशन के जैसे एब्स आ जाएंगे. टेक्स टाइम यार, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको, जरा वेट करो. ठीक है, जिसने भी बॉडी बनाई ना उनको जाके पूछो कि कितना टाइम लगता है. लोगों को 3-4 साल भी निकल जाते हैं यार बॉडी बनाने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट. मेरे जो पीछे पता है आप जो कैमरे के पीछे बैठे हैं उनके एब्स देखो, मैं आपको दिखाऊंगा पगला जाओगे. बट मैं दिखाना नहीं चाहता यार अभी, रहने दो. सो यार टाइम लगता है बॉडी बनने में, थोड़ा वेट करो. थोड़ी थोड़ी बॉडी बन रही है, मैं वो टेप लेकर नहीं आया बट इफ आई शो यू मेरा जो है बाइसेप जो है अभी 16 का डोला हो गया है. एंड या बनेगी बॉडी बहुत जल्द, आपको एब्स दिखाऊंगा मैं. स्पार्कलिंग अंडरस्कोर अर्थ अंडरस्कोर अंडरस्कोर यू आर सो लकी, आपके आई गेस 2 questions आज मैंने सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो में. क्या questions पूछे आपने, वाह मजा आ गया. सो यहाँ पे मुझे पूछा है इफ यू एवर गेट अ चांस टू पेट एनी एनिमल व्हाट एनिमल वुड यू चूज टू पेट एंड व्हाट यू नेम इट. सो इफ आई एवर गेट अ चांस टू पेट एनी एनिमल सो इट विल बी बिल्लू. आई लव कैट्स, जैसे कि आपको पता है मैं अपने इंस्टा पे स्टोरीज पे नो कैट्स की वीडियोस फोटोज डालते रहता हूँ. आई लव देम एंड मेरा तो ऐसा कनेक्शन हो गया कैट्स के साथ कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे आसपास कैट्स आ ही जाती है. एंड आपने एक रील देखी होगी मेरी जहाँ पे मैं रेड कार्पेट पे गया हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ एंड वहाँ पे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक बिल्लू आ गया. सो आई लव 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 कैट्स और मैंने अपने कार में खाना भी रखा हुआ है, कैट फूड रखा हुआ है. सो मुझे जहाँ पे भी बिल्लू दिखते हैं मैं उन्हें खाना खिलाता हूँ. एंड वैसे मेरी मॉम मना करती है कि यार अभी बिल्ली बिल्ली अभी कुछ मत लाओ घर पे, क्योंकि आई नो यार मॉम रॉन्ग नहीं है यहाँ पे बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है पेट्स को, उनका ध्यान रखना होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप अपने मजे के लिए अपने फन के लिए ला रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो एंड फिर उनका ध्यान नहीं रख रहे हो. सो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर से एक बिल्लू लेकर आऊँगा घर पे. एंड आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है दैट आपसे जितना हो पाता है प्लीज़ जितने भी एनिमल्स हैं जो स्ट्रेज हैं उनका ध्यान रखिए. अभी तो समर शुरू हो गए हैं सो एटलीस्ट पानी का एक ग्लास ही बाहर रख देना है उनके लिए. तो थोड़ा ध्यान रखना है, खाना वाना खिलाना पिलाना पानी उनको एंड जस्ट टेक केयर ऑफ देम. दयाल अंडरस्कोर अग्रवाल ने मुझे पूछा है स्किन केयर रूटीन. सो स्किन केयर रूटीन जो है मैं काफ़ी ऐसा शिद्दत से फॉलो करता हूँ बिकॉज मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखता हूँ. ऑफकोर्स स्क्रीन पे दिखना होता है तो स्किन का तो ध्यान रखना बनता ही राइट. एंड जो स्क्रीन पे नहीं दिखते ऐसा नहीं कि आपको अपने स्किन का ध्यान नहीं रखना है, एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ देयर स्किन. एंड स्किन केयर रूटीन मेरा काफ़ी सिंपल है. मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तब फेस वॉश करता हूँ, आफ्टर दैट आई अप्लाई सीरम, आफ्टर दैट आई अप्लाई मॉइस्चराइजर, आफ्टर दैट आई
अप्लाई सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज मस्ट, हर किसी के पास, हर किसी के बैग में होना चाहिए. एंड रात को अगर मैं शूट से जा रहा हूँ घर पे, देन मेकअप रिमूवर्स, आई रिमूव माय मेकअप, अच्छे से फेस वॉश करता हूँ, देन अगेन आई अप्लाई मॉइस्चराइजर, सीरम्स एंड लिप बाम एंड आई अंडर आई क्रीम एंड एवरीथिंग. सो ये मेरा बेसिक रूटीन है. सो इफ यू वॉन्ट दैट डिटेल स्किन केयर रूटीन वीडियो, कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो महीन अंडरस्कोर मजर ने मुझे पूछा है, योर वन राइटिंग दैट यू हैव रिटन एंड नेवर शोड अस. तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लिखने का बहुत शौक है एंड मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, बट आपके साथ मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ. इवन लाइक मैंने एक सॉन्ग भी काइंड ऑफ लिखा है, वो तो मेरे हिसाब से सॉन्ग है, जब कोई सुने का पगला ही जाएगा कि क्या ही लिखा है. बट एनीवेज मैंने कुछ एक छोटा सा लिखा था, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ये. गिर के मिट्टी में फिर से उठा पहलवान हूँ मैं, लोग जाने जगमगाता तारा हूँ मैं आसमां में, चाहे लाखों बार गिरा तू मुझको जिंदगी में, उठ के फिर से मुस्कुराऊं इसलिए खास हूं मैं. अक्षु ने मुझे पूछा है, योर फेवरेट पंजाबी सॉन्ग. यार बहुत सारे मेरे फेवरेट पंजाबी सॉन्ग्स हैं, बट वन ऑफ माय फेवरेट इज बी प्राग्स मन भरेया. सो अगर आप चाहते हो तो मैं दो लाइनें गा के सुनाना चाहूंगा. नहीं नहीं चाहते हो फिर भी मैं गा के सुनाऊंगा. वे मैं तो तेरा मन भरया, मन भरया बदल गया सारा, वे तू मनु छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, वे मैं तो तेरा मन भरया. ये सुनने के बाद बी प्राग के आंखें भरिया के बंदा क्या गा रही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैमरे के पीछे जो हमारे कैमरा गाय है उनका है क्वेश्चन कि सर आप ये वीडियो कब खत्म कर रहे हैं, अभी भूख लग रही है, घर पे जाना है, नाश्ता करना है, अभी खत्म करो सर, बहुत हो गया आपका. तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपके कुछ कुछ सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा एंड जिनका नहीं मिला वो नेक्स्ट वीडियो में उनको आंसर करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू गाइज लाइक दिस वन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to my channel. We'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Love you. Bye-bye. Bye-bye.